आइंस्टाइन उसके बाद है, आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन जर्मन का है, आइंस्टाइन का बाप जो है वो बिजली फ्राहम करता था, उस जमाने में बिजली हुकूमत फ्राहम नहीं करती थी, नई नई बिजली दुनिया में आई हुई थी, तो जो घरों में अमीर लोगों के बल्ब वगैरह लग जाते थे या बिजली का जो सामान आ चुका था इब्तदाई दौर के पंखे वगैरह, तो वो सारी चीजें बेचते भी थे और घरों को बिजली भी देते थे, जैसे आज केबल नेटवर्क है। अभी केबल नेटवर्क हुकूमत ने नहीं संभाला, पीटीसीएल ने ले लिया अपने हाथ में, लेकिन बाकियों को मना नहीं किया। ये वो सिचुएशन थी जब पीटीसीएल ने भी केबल वर्क नहीं लिया हुआ था, तो प्राइवेट लोगों का कारोबार था। तो आइंस्टाइन का बाप यही कारोबार करता कि वो बिजली की कंपनी थी उसकी, और आइंस्टाइन भी उसकी मदद करवाता था कि वो जो बल्ब बेचना चाह रहे थे वो चाहते थे कि वो ज्यादा रोशन हो, और जो वो ताकत बिजली की देना चाह रहे थे वो ज्यादा ताकतवर हो, तो आइंस्टाइन बाप के साथ मदद भी करवाता था। आइंस्टाइन ने इसी माहौल में आंख खोली, बिजली वाले और बाप की कंपनी वाले में, लेकिन वो स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ सका, स्कूल में से उसे बार बार निकाल भी दिया गया और वो खुद भी भागा। एक बार तो एक उसका बाप इटली चला गया था, तो वो जर्मन छोड़ के भाग गया और वापस इटली पहुंच गया बाप के पास। तो वो कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पे स्कूल में मशहूर नहीं था, उसने खुद ये लिखा है कि मुझे रट्टा पसंद नहीं था और बाकी स्टूडेंट रट्टा लगाते थे, तो इस वजह से मैं स्कूल से भाग जाता था। आइंस्टाइन फेल भी हुआ, जो हमारे यहाँ जो आप मैट्रिक जिसे हम कहते हैं, इस सतह का इम्तिहान था जिसमें आइंस्टाइन दो पेपरों में पास हुआ, एक मैथमेटिक्स और एक फिजिक्स, और 11-12 पेपर थे, बाकी सब में फेल हुआ। तो उसके उस्ताद ने उसकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पेपर देखकर कहा कि ये तो तुमने बहुत अच्छे सॉल्व किए हैं, तुम्हारा अपना विजन इसमें काम कर रहा है, तो क्यों ना तुम दोबारा इम्तिहान दो पिछले पेपरों की तैयारी करके आओ प्राइवेट। तो उसने एक साल फिर प्राइवेट लगाया था, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान भी होता है। और फिर आइंस्टाइन ने शादी कर ली जल्दी, अभी वो जैसे हमारे यहाँ 4 साल कोर्स होता है पॉलिटेक्निक का, 3 साल, उस वक्त वो जैसे बीटेक का हमारा कोर्स होता है, ऐसा ही उसने एक कोर्स टाइप पढ़ा 4-1 साल, वो जो जिसे हम कह सकते हैं कि कौन सी होती है आज के दौर के लीक तरीन मैकेनिकल कह लें, जो मैकेनिकल पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप कह लें, अगर ये लफ्ज़ ठीक नहीं है उस वक्त की उस तालीम के लिए जो उसने हासिल की, कई मजमून थे उसमें, लेकिन सारे मजमूनों का लुब्बे लुबाब अगर बोला जाए तो ऐसे कह दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने पढ़ी 4 साल, वहीं उसको इश्क विश्क हो गया, उसने शादी कर ली। तो शादी करने के खास तौर पे नौजवान बंदा शादी कर ले तो उसको बड़े अजाब पड़ जाते हैं, तो उन अजाबों की वजह से उसको नौकरी करनी और ढूंढनी पड़ गई। तो 1902 में उसने पेटेंट ऑफिस में जॉब की। अब मैं जो पीछे सीन पेश कर रहा था कि जमाना था, एक सीन बन गया था कि शहरों में, लोगों में, घरों में, बाजारों में बात होती थी, वो साइंसदान है, उसने ये बनाया, वो साइंसदान है, उसने, हर बंदा शौक से अपने आप को साइंसदान शो करता था, जो भी हर बंदा नहीं जो भी इस फील्ड में आता, और शौक से शो करता था, चीजें बनाता। तो इसलिए वो उस क्रेज की वजह से, आज नहीं है, आज ऐसा नहीं है, लेकिन उस क्रेज की वजह से जगह जगह पूरे यूरोप दफ्तर खुल गए, पेटेंट ऑफिस। जो भी कोई बंदा कोई पंखा नुमा या कोई गैजेट या कोई लीमू निचोड़ने वाला या कोई आला बनाता था, तो वो पेटेंट ऑफिस से पेटेंट करवाता था, वहां जाकर उसको रजिस्टर करवाता था कि मेरे नाम का है, और इसको जो कोई लड़ते थे आपस में, ये मेरी इजाद है और ये मेरी इजाद। तो ऐसे ही पेटेंट ऑफिस था जर्मन में भी, बर्लिन में भी। तो आइंस्टाइन उसमें जॉब करने लग गया एक क्लर्क की हैसियत से। अब उसने वो जॉब की तो उसको फायदा ये हुआ कि वहां मशीनें आती थी, कभी कोई टाइपराइटर नए स्टाइल का पेटेंट होने के लिए आया है, तो कभी कोई मोटर आई है, मोटर भी ऐसी के बिजली वाली मोटर उसके साथ, अगर वो बिजली की कोई चीज उसके साथ अगर लगी हुई है मोटर, तो शायद उस वक्त मुझे मालूम नहीं है कि हमारी क्वालिटी की थी या नहीं। तो आइंस्टाइन के बाप की मैंने बात की उस लेवल पे बात, जो भी बिजली की चीज अगर उसके साथ लगी हुई, तो आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता था कि ये मैकेनिक्स तो हो गई न्यूटन की, और ये जो मैंने बटन दबाया है ये मैकेनिक्स तो हो गई मैक्सवेल की, तो इन दोनों का रिश्ता क्या है। उन मशीनों को देखते हुए आइंस्टाइन अक्सर ये सवाल करता था कि मशीनें उसके पास दो तरह की आती थी, या दोनों मिक्स हैं उसमें, दोनों साइंस हैं, या दो अलग अलग, एक सिर्फ किसी ने गरारियों से न्यूटन वाली मैकेनिक करके मशीन बनाई है, पेटेंट होने के लिए आई है, आइंस्टाइन उसको स्टडी कर रहा है, उसके कागज भी होते थे वो पढ़ रहा है, या उसके पास ऐसी मशीन आ गई जिसमें बटन भी दबता है और बिजली चलती है।
तो वो कहता था कि ये इसकी रफ्तार जो जाने की है बिजली के करंट की और ये जो इसके घूमने की है, ये मैकेनिकल है और ये इलेक्ट्रिकल है। ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के दरमियान रिश्ता क्या होना चाहिए, इसको सोचते सोचते उसको मैक्सवेल की रोशनी की स्पीड और रोशनी की मुसावातें भी सामने थी, उसका शौक भी था। तो आइंस्टाइन ने वहां पे अपने पहले पहले पेपर्स दिए उसी पेटेंट ऑफिस से ही। यानी आइंस्टाइन के जो पहले पेपर हैं तीन, जिनमें से तीन पहले आइंस्टाइन के 300 के करीब पेपर हैं, लेकिन जो मशहूर हैं उनमें ये चार हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए, जिनमें एक है ब्राउनियन मोशन, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ये जो ब्राउनियन मोशन है ये सिंपल है, एक साइंसदान था ब्राउन, ब्राउन ने पानी के जार में, शीशे के जार में पानी रख कर उसमें कुछ पोलन ग्रेन डाल दिए। पोलन ग्रेन होते हैं फूलों के ऊपर बनता है बूर, जैसे आम का बूर होता है या जैसे कीकर का बूर होता है, पोलन ग्रेन होता है, इस्लामाबाद में तो बहुत होते हैं। वो पानी के ऊपर डाले और ऐसे कमरे में, आप देखे ना ब्राउन भी उस वक्त ऐसे तजर्बे क्यों कर रहा होगा, ये माहौल था, हर कोई घरों में खेल रहा था कि हम साइंसदान बन जाए, तो उसमें कमरे में रख के उसको बंद कर दिया। अब ये बायोलॉजी का बंदा है, फिजिक्स का नहीं है ब्राउन, तो कमरा बंद कर दिया कि कमरे में हवा भी ना हो, कमरे में कोई और फोर्स भी ना हो, तो वो पानी का जो रखा हुआ जग है क्या उसमें हरकत तो नहीं होती, बस ये बात देखने का उसे ख्याल क्यों आया होगा। उसने माइक्रोस्कोप के जरिए उसमें देखा कि उसमें अजीब गरीब हरकत, वो हरकत हम अपने घरों में देखते हैं, कभी लाइट की बीम आ रही होती है जब धूप में दोपहर को कोई रोशनदान से, तो हम उसमें धूल उड़ती हुई देख, पोलन ग्रेन ग्रेन थे वो एक दूसरे के ऑपोजिट या एक दूसरे की तरफ या मुख्तलिफ रफ्तारों से, एक स्लो और दूसरा तेज हरकत कर रहा था उसमें। वैसे लोगों को नहीं नजर आते वो हरकत जब पानी माइक्रोस्कोप से ना देखा जा रहा हो या पानी बाहर पड़ा हो और हिल रहा हो, तो बंदा ख्याल आता है कि हिल रहा होगा। तो उसने कहा कि इसमें कुछ जानदार, पानी में कुछ जानदार होते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजी का बंदा था, उसका जहन जानदार की तरफ गया। उसने कहा पानी में कुछ जानदार होते हैं जो शायद उसको हरकत देते, हो सकता है ब्राउन ने किसी जरूरत के तहत ऐसा किया हो, बायोलॉजी का जो बंदा, तो उसके ख्याल घूम रहा था, पुराना 1800 कुछ का बंदा है। लेकिन जब आइंस्टाइन 1902 में ये कर रहा है ब्राउनियन मोशन को दरियाफ्त, तो आइंस्टाइन ने एक नई बात कर दी। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, उसमें जानदार चीज नहीं है, ये मॉलिक्यूलों की हरकत है। जो गैस है इसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर है, इतने दूर तब ये गैस है। जो पानी है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक है, और जो माया है, और जो ठोस है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। तो इसलिए ठोस माया गैस में फर्क ही सिर्फ यही है कि जब एटम एक दूसरे के बहुत नजदीक गुत्थम गुत्था होंगे तो चीज ठोस बन जाएगी, उसको गर्म करें तो दूर जाना शुरू हो जाएंगे, माया बन जाएगी, उसको गर्म करें तो और दूर जाना शुरू हो जाएंगे, वो चीज ही गैस बन जाएगी। इसी तरह वापस उसको ठंडा भी कर सकते हैं, प्रेशर देकर भी, प्रेशर से भी दोबारा ठोस बना सकते हैं, ठंडा करके भी दोबारा ठोस बना सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो उसमें हरकत हो रही है ये मॉलिक्यूलों की हरकत है, और मॉलिक्यूलों में एटम है और एटमों में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम होता है। या ये पहली बार समझे कि एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इनको हरकत करते हुए देखा गया था ब्राउनियन मोशन में, ये उसका पहला पेपर है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसका पेपर था, दूसरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इसे हम टाइम नहीं लगाएंगे कि हम एक मेटल, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दिया। उसने कहा कि रोशनी की जो रफ्तार है, उस रोशनी की रफ्तार तो एक है, लेकिन रोशनी के जो मुख्तलिफ रंग हैं उनमें हर एक रंग की वाइब्रेशन की वजह से, जो उसमें एटमों की वाइब्रेशन है, उसकी ताकतें मुख्तलिफ हैं। तो अगर हम ज्यादा ताकत वाली रोशनी किसी मेटल पर फेंकेंगे तो उसका एक पैक्ट, एक फोटान जितनी ताकत का है, उतनी ताकत चाहिए होती है किसी एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए। तो जब उससे टकराएगा मेटल से रोशनी की नीली शुआ, तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल के भगाना शुरू कर देगी। हम इसको भी फैक्ट पे देखें तो ज्यादा अच्छा हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फैक्ट। और ये तो डाउनलोड करवाएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे किसी ने YouTube की वीडियो को हम चलाएंगे नहीं, स्क्रॉल करके देख लेंगे, क्योंकि वो दूसरा वो डाउनलोड होना चाहता है। ये देखें,
कि अगर हम सब्ज रंग की शुआ पड़ रही है अब आप इस पे शुआ भी पड़ रही है जो वो अल्ट्रावायलेट है और इलेक्ट्रॉन भी मैटर से निकल निकल के दूसरी तरफ के मैग्नेट की तरफ जा रहे हैं। अब ये शुआ जो पड़ रही है वो हल्की है, ये यहाँ रंग बने हुए हैं जो ये आप यूज कीजिएगा, फैट डाउनलोड कर लीजिएगा फैट से, तो यहाँ से रोशनी डालेगा और ये प्लेट है जो लेफ्ट साइड वाली है और इधर मैग्नेट है जो खींच रहा है उन इलेक्ट्रॉनों को, इसी इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेट के जरिए खींच कर तार में डाल दिया जाता है। आप भी बना सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सोलर प्लेट। तो ये इसमें फैट वाली साइट में सिमुलेशन पड़ी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लेकिन ये डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस पर शायद टाइम ले लेगी। तो उसको आप जब मूव करेंगे नीले रंग पे ले जाएंगे, ग्रीन पे ले जाएंगे, येलो पे ले, तो प्लेट पे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद और काउंटिंग वो सारी एक्यूरेट इक्वेशन के मुताबिक आपको बताएगा। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये साबित हो गया था कि एक बार ये साबित हो गया था कि ये जो होता है पार्टिकल रोशनी का जर्रा, ये पार्टिकल होता है। आइंस्टाइन वो बंदा है जिसके सर ये सेहरा है कि उसने रोशनी की पार्टिकल नेचर को दरियाफ्त किया है। रोशनी की वेव नेचर पुरानी है, रोशनी की पार्टिकल नेचर मॉडर्न है। यानी रोशनी को शुरू से ही थॉमस यंग का तजर्बा, यानी 1801 में अगर आप सर्च करें तो 1801 में एक साइंसदान है थॉमस यंग, उसने किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वो 1801 है, बहुत पुरानी। और आइंस्टाइन 1904 में ये कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दरिया, तो ये 103 साल बाद का है जब इसने कहा कि रोशनी की नेचर में रोशनी अपनी नेचर में पार्टिकल है, जर्रा है। रोशनी बहुत से जर्रात से मिलकर बनी, ये पैकेट्स हैं, पैकेट्स चंक ऑफ एनर्जी वो कहता था। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया जिसमें उसने ये साबित किया कि रोशनी की नेचर पार्टिकल है। जो बात इंपॉर्टेंट है कि इसकी मॉडर्निटी ये है कि रोशनी की नेचर पार्टिकल है, और इसका क्लासिक ये है कि रोशनी की नेचर वेव है। आगे चल के दोनों मिक्स कर दिए। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पे हमने चूंकि 2 हफ्ते रखे हुए हैं तो उसमें हम वक्त जाया नहीं करते, लेकिन इतना मैं बता दूं कि आइंस्टाइन को ख्वाहिश थी कि मुझे थ्योरी ऑफ स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की वजह से नोबेल प्राइज दिया जाता, लेकिन आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से दिया गया। और इसमें मैंने शायद पहले भी बताया हो, बड़ा हाथ जो है बर्गसान का था, हेनरी बर्गसान जो फिलोसफर था, और वो उस वक्त बहुत बड़ा आदमी था, मशहूर था यूनिवर्सिटियों में, बुजुर्ग भी था, और आइंस्टाइन यंग था 24 साल का। तो उसकी बात, उससे मशवरा लिया गया नोबेल प्राइज कमेटी ने, उससे पूछा कि ये नौजवान को इस दी जाए जमानों में कहाँ पे नोबेल प्राइज, तो उसने इत्मीनान का इजहार नहीं किया था। उसने कहा था कि मुझे ये ठीक नजरिया नहीं लगता जमानों मकान का। उसके लेटर के जाने के बाद फैसला बदल दिया गया, और चूंकि आइंस्टाइन का काम बहुत ह्यूज लेवल का था इसलिए ये तो तय किया गया कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाए, लेकिन इसको नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर दिया जाए। चुनाचे आइंस्टाइन ने जब नोबेल प्राइज के लेने के बाद तकरीर की थी तो उस तकरीर में नाराजगी का इजहार किया था, और सारी तकरीर में नोबेल प्राइज की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं की थी, पूरी स्पीच में सारी बात स्पेशल रिलेटिविटी की और जनरल रिलेटिविटी की थी। स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम कौन जो है जैसी सामने बनी हुई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माजी मुस्तकबिल एक कौन में दिखाए हैं, और कौन का मतलब ये है कि ये एक इंसिडेंट की, ये एक वाक्य की कौन है, ये रोशनी की कौन नहीं है। जब एक वाक्य होता है, अगर ये यहाँ गिरे टकराए ठक, तो एक वाक्य होता है, तो उस वाक्य के माजी और हाल की ये कौन है। हम जो वक्त में, हम जो दिखते हैं कि पार्टिकल वक्त में ट्रेवल करता है, हमारा जिस्म पार्टिकल से बना है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करते हुए हम कहेंगे पार्टिकल वक्त में ट्रेवल कर सकता है। तो हम जो देखते हैं कि पार्टिकल वक्त में ट्रेवल करता है, तो पार्टिकल वक्त में सिर्फ फ्यूचर में ट्रेवल नहीं करता हर आन में, बल्कि पास्ट में भी साथ ही ट्रेवल करता है। जो ही कोई वाक्य पेश आता है तो वक्त की कोन पे वो ऊपर भी खुलता चला जाता है और नीचे भी खुलता चला जाता है। प्रेजेंट हमेशा दरमियान में एक प्लेन है जो ऑब्जर्वर की प्लेन है, ये ऑब्जर्वर लिखा हुआ भी है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, और ये प्लेन जो है स्पेस की प्लेन है, मकान की, टाइम एंड स्पेस का ये बना हुआ है कोन सारा, इसे लाइट कोन भी कहते हैं। और ये फ्यूचर की कोन है और ये पास्ट की कोन है।
पास्ट लाइफ को, इसको हम समझेंगे, लिहाजा अभी आपके ये पहले नहीं पढ़ा होगा मुझे यकीन है। दूसरा जो है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, इसमें ये कहा कि स्पेस टाइम जो है, ये जो ग्रेविटी है जिसमें चीजें नीचे गिरती हैं, ये एक ज्योमेट्री है, ये ग्रेविटी को फोर्स नहीं है, ये एक शेप है। दरअसल ये कायनात जो है स्पेस और टाइम की फैब्रिक है, फैब्रिक कपड़े को कहते हैं, और ये लचकदार कपड़ा है। इसमें जो चीज गिरती है तो कपड़ा उस जगह से नीचे हो जाता है, और बहुत ज्यादा भारी चीज हो तो ग्रेविटी वेल बनता है, और जो छोटी सी चीज हो तो ग्रेविटी डिम्पल बनता है। जैसे एक कंकर से ग्रेविटी डिम्पल पैदा होता है, और एक सूरज से ग्रेविटी वेल पैदा होता है, और बहुत ज्यादा ये कहीं से डेंस हो के मादा बहुत ज्यादा भारी वहां पे गिरे तो वहां ब्लैक होल पैदा हो जाता है, जिसके दूसरे सिरे का पता नहीं चलेगा कि सुराख नीचे हो गया है कपड़े में, तो वो सुराख निकल किधर से रहा है। तो ये सारा कपड़ा है ग्रेविटी, इस पे भी आज हम बात नहीं करेंगे, इस पे भी 2 हफ्ते रखे हुए हैं, और यही मेरा फील्ड है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे अपने वक्त पे।